हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज मैंने अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है मॉर्निंग से, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मेरा बेटा भी जग गया है सो के, और बेटी मेरी भी सो रही है। तो इन लोगों का क्या है, आज ऑनलाइन एग्ज़ाम है, तो ये मेरा पेटू उठ गया। हेलो गाइस, हेलो बच्ची, तो चलिए फिर आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। पहले मैं ब्रश वगैरह कर लूँ और फिर लूँ चाय वगैरह पी लूँ। अभी मैंने ब्रश वगैरह नहीं किया है, जस्ट मैं सोकर ही जगी हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, और बने रहिए आज आप मेरे साथ और देखिए मेरी मॉर्निंग की शुरुआत कैसे करती हूँ मैं, वो मैं शेयर करने वाली हूँ। तो बाहर बैठ कर हम घर के बाहर ही बैठ जाते हैं, और बैठने के लिए हमने अलग से सिस्टम बना रखा है। तो मॉर्निंग की चाय अक्सर मम्मी और मैं साथ में ही पीते हैं बाहर बैठकर। तो सभी लोग, कॉलोनी के लोगों को भी मालूम है कि हम लोग चाय हमेशा बैठकर पीते हैं। सुबह और शाम की चाय बैठकर हम घर के बाहर या तो पलंग पर बैठते हैं, और या हमने बैठने के लिए एक कुर्सी बना रखी है उस पर बैठ जाते हैं। तो अभी हम पी रहे हैं सुबह की चाय, और मेरी बेटी आ गई है जग के। अभी वो थोड़ी देर पहले सो रही थी, तो वो भी आ गई है, और मैं बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ। हाउ मैनी लेटर आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट? 26 अल्फाबेट। विच इज आर द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज? AEIOU। विच इज द लास्ट लेटर इन अल्फाबेट? लास्ट लेटर। हेलो एवरीवन, और जस्ट मैं आई हूँ घूमने के लिए, तो मैं यहाँ पास में ही आई हूँ। आप सभी को मालूम है कि मेरे घर के 2 कदम की दूरी पर ही गार्डन है, और जो नए हैं उनको नहीं मालूम, तो मैं बता देती हूँ कि मैं आज आई हूँ मॉर्निंग में घूमने के लिए। तो मॉर्निंग तो नहीं कह सकते क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया है, धूप वगैरह आ गई है, बच्चों की सुबह से क्लास स्टार्ट होनी थी, तो उनको पढ़ाने के बाद ही मैं बाहर आ पाई हूँ। और वैसे कभी कभार जल्दी आ जाती हूँ, तो जस्ट मैं आ गई हूँ, और मैं यहाँ थोड़ा घूम रही हूँ और फिर घर चलते हैं। और आप देख सकते हो कि घर इतना पास में है यहाँ से कि मतलब इतना ही है, और आप देखिए कितना सुंदर गार्डन है, और बहुत अच्छा गार्डन है। और जस्ट मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ यहाँ घूमने आती हूँ। और
मम्मी भी पीछे खड़ी हैं और वो जो भैया हैं जो गार्डन की देख रेख करते हैं वो भी हैं। तो बताइएगा गाइस कि आपको मेरे यहाँ का गार्डन कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करते जाना। और आज आपके साथ मैंने जैसे अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट कर दिया है तो वो ही है। तो चलो फिर चलते हैं, एंजॉय करते हैं और फिर घर चलते हैं, थोड़ा घूमते हैं। मैं घूम के आ गई हूँ और अब फाइनली मैं जाऊँगी नहाने के लिए, और नहाने के बाद फिर करूँगी मैं पूजा, और पूजा के बाद बनाऊँगी मैं खाना। तो फिर मैं नहाने जा रही हूँ और नहाने के बाद मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तो चलिए फिर नहाने चलती हैं। अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए नहा धोकर। तो मैंने स्टार्ट कर दी है पूजा करना, तो देखिए आप मैं कैसे पूजा करती हूँ। और मैंने आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया, स्किप करके दिखाया है। तो चलो फिर देखते हैं।
यहाँ पर मैं सूर्य देवता को जल अर्पण कर रही हूँ और मैंने उनको जल दे दिया है, आप देख सकते हो। और अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। तो मैं बना रही हूँ पोहा, तो उसकी चॉपिंग करने के लिए मैं बैठ गई हूँ इनके पास और मैंने स्टार्ट कर दिया है चॉपिंग करना। तो मैं चॉपिंग बड़े केयरफुली तरीके से करती हूँ, मेरे बेड पर कुछ भी नहीं फैलेगा क्योंकि मैंने ट्रे रखी है उसमें मैं काटती जाऊंगी और साथ में मैंने पानी भी रखा है, वहीं धोती जाऊंगी तो आराम से मैं चॉपिंग कर लूंगी। और मेरे बच्चे दोनों मेरे पास बैठ गए हैं और ये पबजी खेल रहे हैं। यहाँ पर बना रही हूँ मैं पोहा, तो मैंने डाल दिया है ऑयल और ऑयल हो रहा है गरम। तो अब मैं डालूँगी मूंगफली, तो मैं सबसे पहले मूंगफली को ही रोस्ट कर लेती हूँ। और मूंगफली मेरी रोस्ट हो गई है, अब मैं इसमें डालूँगी जीरा, राई और सौंफ। तो मैं तीनों चीज़ें ही डालती हूँ क्योंकि मुझे तीनों चीज़ों का ही फ्लेवर मुझे पोहा में अच्छा लगता है। और कड़ी पत्ता डाल दिया है मैंने, और ये कड़ी पत्ता मेरे घर के बाहर ही लगा है। और मैंने प्याज डाल दी है इसमें और हरी मिर्ची भी डाल दी है। तो मैं तो ऐसे ही पोहा बनाती हूँ, और आप लोग कैसे बनाते हो वो मेरे साथ कभी शेयर करना। और मैंने यहाँ पर आलू डाल दिए हैं, तो आलू भी थोड़े भुज रहे हैं। अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया जिससे आलू जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। और फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे। अब हम इनको चेक कर लेंगे। और अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, और अब मैं इसमें डालूंगी पोहा। तो पोहा मैंने जस्ट पहले ही गला दिया था लेकिन मैंने आपको दिखाया नहीं था। और अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे, और मैं इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करूंगी क्योंकि चीनी मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, मीठापन और खट्टापन पोहा में इसलिए। और थोड़े से मैं इसमें टमाटर डालूंगी, तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। और मैं इसमें थोड़ा सा नींबू भी ऐड करूंगी क्योंकि खट्टा मीठा पोहा मुझे पसंद है। तो मैं इसमें नींबू मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें थोड़ा सा डाला है मैंने पोहा मसाला,
तो आपके पास है तो आप डाल सकते हो, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। बट मेरे पास ये रखा था, बहुत टाइम से रखा हुआ है, तो मैं कभी कभार डाल लेती हूँ और कभी कभार मैं भूल जाती हूँ। और ना डालो तब भी कोई बात नहीं, डाल लो तब भी कोई बात नहीं। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी, इससे पोहा हमारा थोड़ा फूल जाता है। और अब मैंने इसमें मूंगफली डाल दी है जो मैंने रोस्ट की थी, तो मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया और इसको मिक्स कर लेंगे। तो पोहा मेरा बनके फाइनली कंप्लीट हो गया है। अब मैं प्लेट लगा लेती हूँ, तो ये प्लेट मैं इनके लिए लगा रही हूँ और ये प्लेट मैं मम्मी के लिए लगा रही हूँ और अब मैं अपने लिए लगा रही हूँ और मैं बच्चों को भी दे दूँगी। और चलो फिर खाते हैं, तो मैं इनके पास ही बैठकर खाऊंगी क्योंकि इनसे बात भी करती जाऊँगी और वहीं खाती भी जाऊँगी। स्टार्ट कर दिया था तो वो बेटी को नहलाने चली गई, तो वो पोहा खाने आएंगी, थोड़ा लेट हो गई हैं, वो बच्ची को नहला रही थी। तो तब तक हम लोग खा रहे हैं पोहा। और यहाँ पर मम्मी ने लगा दिए कपड़े, तो कपड़े वॉश हो रहे हैं और तब तक मैं बनाने चली गई हूँ खाना क्योंकि इनका फ़ोन आ गया था। तो मैंने बना ली हैं रोटियाँ और मैंने बना ली सब्ज़ी और मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं पराठे और सैलेड भी मैंने कट करके रख दिया है क्योंकि इनको जाना है अर्जेंट ही, फ़ोन आ गया है इनका, इनकी ड्यूटी का कोई भरोसा नहीं होता कब जाना है कब। और फिर ये इनका फिर ये गए नहीं तो मुझे बनानी पड़ी चाय और बज गए 3। तो मैंने सोचा कि मैं चाय भी बना देती हूँ क्योंकि ये ड्यूटी चले जाएंगे तो इनको वहाँ चाय तो मिलेगी नहीं क्योंकि ये बाहर कुछ ज़्यादा खाते पीते नहीं हैं। तो मैंने चाय भी बना ली और चाय वगैरह मम्मी ने भी पी ली और मैंने भी पी ली बनाने के बाद। और चलो फिर मिलती हूँ मैं आपसे। हेलो दोस्तों, और अब मेरा सारा काम कम्प्लीट हो गया, जैसे कि अभी 3 बज रहे हैं लेकिन मैंने चाय वगैरह बना ली क्योंकि इनको जाना था ड्यूटी और इसलिए ये चाय नहीं पी पाते शाम की, तो इसलिए इनके लिए मुझे चाय बनानी पड़ी और मैंने भी पी ली, मम्मी ने भी पी ली। और अभी थोड़ी लाइट चली गई है और लाइट आ जाएगी फिर मैं थोड़ी आराम करूँगी। और मैंने आज आपके साथ मॉर्निंग से लेके पूरा अपना दोपहर का रूटीन पूरा शेयर किया है, तो बताइए आपको कैसा लगा। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना और कमेंट भी करना। बस ऐसे ही मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है जैसे मैंने आज आपके साथ की है, और मैंने वही काम आपके साथ शेयर किए हैं जो मैं करती हूँ। तो फाइनली कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, और चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।